नमस्कार दोस्तों, IIC क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप पढ़ रहे हैं, ये किसी स्टूडेंट ने भेजा है। द बस इज़ पासिंग थ्रू ए विलेज, देयर इज़ एन ओपन एयर कैटल मार्केट गोइंग ऑन इन द विलेज विथ लॉट्स ऑफ बुलक बफेलोज बुलक कार्ट्स एंड इट्स स्पेयर पार्ट टी एंड स्नैक स्टॉल ऑन द हैंड कार्ट ह्यूज क्राउड ऑफ सेलिंग कस्टमर एंड सेलर्स कस्टमर एंड विजिटर ड्रॉ व्हाट यू सी फ्रॉम द विंडो सिटिंग इन साइड द बस। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ कि हम बस में बैठे हुए हैं, बस एक गांव से निकल रही है या गांव से होती हुई जा रही है, और वहां पर आप देख रहे हैं कि कैटल मार्केट लगा हुआ है। ठीक है, और कैटल मार्केट में बहुत सारे बैल हैं, भैंस हैं, बैलगाड़ियाँ हैं, और उसके कुछ पार्ट्स भी हैं, और टी एंड स्नैक का स्टॉल है किसी हाथ ठेले पर, और बहुत सारा क्राउड है खरीदने वालों का, बेचने वालों का और देखने वाले का। ठीक है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है ये बनाना है। तो ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें तो आपके सीन में दिखाई देनी ही चाहिए। इसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा एलिमेंट बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे हमें दिखाई कैसा दे रहा है, क्या दे रहा है। ठीक है, यदि आप बस में हैं, ये मैं टॉप व्यू बना दे रहा हूँ बस का, कि जिसमें आपको समझ में आए कि आपकी पोजिशन क्या है। ठीक है, ये रोड पर बस चल रही है और यहाँ पर ड्राइवर सीट होती है, ड्राइवर बैठा हुआ है, यहाँ स्टीयरिंग लगी हुई है, यहाँ डोर है, और लोग यहाँ पे विंडो के पास, ये सारी विंडो लगी हुई हैं, और यहाँ पे सीट हैं। ठीक है, इन्हीं में से एक सीट पर आप बैठे हुए हैं, ऊपर से देख रहे हैं ये। तो आप कैसा देख सकते हैं, सामने की साइड ऐसा देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कितना देख पाएंगे आप, ये 60 डिग्री के उसमें एंगल में। ठीक है, आपका कोन ऑफ विज़न क्या है, 60 डिग्री। तो ये आप ऐसा देख पाएंगे। ठीक है, यदि आप यहाँ बैठे हुए हैं सीट पर और आपने मुंडी विंडो की साइड की और बाहर देखने की कोशिश किया, तो आपको सामने ही दिखाई देगा। ठीक है, और फिर आप यदि इस साइड देख रहे हैं और फिर विंडो में से सोच रहे हैं कि हल्की सी नज़र मारी, तो आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन जो कुछ दिखाई देगा वो 60 डिग्री के कोण में दिखाई देगा। ठीक है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो आपको बनाना है। तो हम क्या बना रहे हैं, हम इस साइड मुंडी की, हमने वो सामने देख रहे हैं, तो क्या दिखाई दे रहा है वो हम बनाएंगे, जिससे कि आपको इजी व्यू मिल सके और आप इजीली बना सकें। ठीक है, अब यही चीज़ हम देखिए एलिवेशन समझते हैं कि ये रोड है, ये बस है। ठीक है, हाई लेवल समझने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बस है, ये बस में यहाँ ग्लास लगा है, ये इंजन विंजन है, ये उसकी वो लगी हुई है, यहाँ ड्राइवर की सीट होगी। ठीक है, और ये चक्के यहाँ पर। ठीक, ये ड्राइवर के, जो ड्राइवर का लेवल है, इसी लेवल में पीछे कोई आप बैठे हुए हैं, तो आपका मंडी भी इसी लेवल में होगी। ठीक है, आप बाहर साइड देखेंगे आप, तो आपको ऐसा बाहर 60 डिग्री में आप देख पाएंगे। ठीक है, अब आपका हाई लेवल मतलब आपकी हाइट जितनी ऊँचाई पर है, वो कहाँ से ग्राउंड से क्या है हाई लेवल आपका, ये ग्राउंड है और ये आपका हाई लेवल है। ठीक है, यानी कि जो भी ह्यूमन हाइट है उससे तो ज़्यादा है। ठीक है, ह्यूमन हाइट मतलब आपको इंसान बस की खिड़की से छोटा ही दिखाई देगा, आपसे ऊंचा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, बाकी चीज़ें हो सकती हैं कि, तो जो कुछ भी बनेगा आपका हाई लेवल के नीचे बनेगा, कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आपके हाई लेवल के ऊपर जाए, है ना, कि हो सकता है बड़े बड़े मकान हो या कोई दूसरी चीज़ हो तो आपके हाई लेवल के ऊपर जाएंगी, लेकिन पास की चीज़ें आपको हाई लेवल से नीचे ही दिखाई देंगी। तो हाई लेवल से नीचे जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो हमें कैसा दिखाई देता है, ये हमें बनाना है। ठीक है, तो आइए कोशिश करते हैं कि किस टाइप से बनाएं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कैटल मार्केट बनाना है हमें, बहुत सारे बैल बनाने हैं, भैंस बनानी है, और बैलगाड़ी और स्पेयर पार्ट्स और एक स्टॉल बनाना है, है ना, और ह्यूज क्राउड बनाना है। ठीक है, तो चलो कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमें क्या है कि हाई लेवल हमारा हाई है, तो हमने यहाँ पे ऊपर की साइड में हमने ये हाई लेवल वाली लाइन ले ली। ठीक है, अब इसमें आप इसको किसी भी उससे बना सकते हैं, मेथड से 1.2.3 जिस भी मेथड से आप बनाना चाहें, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे मैं ऐसी लाइनें खींच लेता हूँ। ठीक है, रेफरेंस के लिए मैं लाइन खींच लेता हूँ, जिससे मुझे आइडिया हो कि मैं कहाँ क्या बनाऊँ। और नहीं भी चाहें आप लाइन खींचना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको करना क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप तो इस पॉइंट की ओर आप उसको वैनिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं मानूँ कि यहाँ से मैं देख रहा हूँ ये रोड का एंड होगा, है ना, क्योंकि
गलीच से उतर जा रहे, तो सामने आप देख रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि जो पहली भैंस आप या कुछ भी कैटल हम बनाए, है ना, कैटल बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम। मैं इसका मुंह सेट करके बनाने की प्रयास कर रहा हूँ। तो ये कैटल का क्या है कि आपको बनाना सीखना पड़ेगा ये डायग्राम, और मेरे ख्याल से आप दो तीन बार कोशिश करेंगे तो ये बनने लगेगा कोई विशेष, ठीक है। ये हम भैंस बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मतलब बनाने की, मुझसे भी उतना अच्छे से बनता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास भैंस के कान भी होंगे, ठीक है, भैंस देख भी रही होगी, भैंस का मुंह नाक सब होगा, ठीक है। कम से कम भैंस जैसी लगे, बाकी थोड़ा इसमें स्केचिंग में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये समझ में आ जाए कि आपका ऑब्ज़र्वेशन क्या है। मेन मकसद ये डायग्राम बना के आपका ऑब्ज़र्वेशन ही चेक करना है। और ये टेक्नोलॉजी तो आप कॉलेज में भी सीखेंगे, इसलिए उसमें टेक्निक पे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनता है ठीक से तो, ठीक है। ये बड़ी बन रही है, थोड़ा सा प्रपोर्शन ऐसा रखें कि मतलब देखने में बुरा ना लगे, है ना। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो चल देगा आपका स्केच स्केच में कोई। हमने कभी ध्यान दिया हो तो गाय के पैर इस टाइप के होते हैं कैटल के, है ना। और ये उसकी पूंछ, इस टाइप से आप कैटल बना लीजिए। ठीक, मेरे ख्याल से इसको थोड़ा और नीचे करना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी अटपटी है मगर ठीक। ऐसे आप कैटल बनाएं, ठीक है। और कैटल बनाने के बाद ये मैं यहाँ से ये लाइन रेफरेंस लाइन इसीलिए हमने खींची थी कि अब जितने भी कैटल हम बना रहे हैं वो इसी में कोशिश करें कि इसी लाइन में दिखाई दें। अब एक कैटल तो हमें ये पूरा पांव दिखाई दे गया, ठीक है, दूसरे का शायद हमें उतना अच्छे से नहीं दिखाई देगी सारी चीज़ें, मतलब सिर्फ बस ऐसा भी बना देंगे तो ठीक है। हो सकता है एक हाथ का थोड़ा बहुत पाँव वाँव दिख जाए यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से आप दिखा सकते हैं और बना सकते हैं। तो वैसे हम कैटल खड़े हुए बना सकते हैं, फिर आप हो सकता है कि ह्यूमन फिगर भी बना दें कुछ। अब आपको एक आइडिया तो हो गई कि क्या हाइट होती है यदि
कैटल से इंसान की है ना, तो एक आध आदमी बनाया आपके यहाँ खड़ा हुआ है, सर पे टोपी वोपी या पगड़ी वगड़ी पहना दें जैसा कि गांव में लोग पहनते हैं, ठीक है, या खड़ा हुआ होंगे और भी खड़े हुए होंगे आदमी, कैटल मार्केट है, लोग कैटल देख रहे होंगे खरीदने के लिए बेचने के लिए, अब ये से आप ये कुछ भी कर रहा हो एक्टिविटी इस टाइप से आप बना सकते हैं, कुछ छोटे छोटे ह्यूमन फिगर, ठीक है। तो मेन मकसद हमारा तो क्राउड इकट्ठा करना है, मार्केट है तो है ना, ये हो सकते हैं कैसे भी, ठीक। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि कैटल मार्केट है तो ऐसा लगे कि कैटल मार्केट है, ठीक। और भी आप बना सकते हैं कुछ और भी, ये लोगों के पीछे भी खड़े हैं कैटल, ऐसा भी, ठीक है। मेरी ख्याल समझ रहे होंगे आप, है ना। और फिर बैलगाड़ी जैसे यदि आप कार्ड दिखाना चाहें, ठीक है, तो कार्ड भी दिखा सकते हैं आप, कार्ड आपने देखी होगी, मान लो यहाँ और कोई ज़रूरी नहीं कि कार्ट का चक्का है, ठीक है, कार्ट का व्हील है, खड़ी होगी यहाँ पर, ठीक है। कुछ आप घर बना सकते हैं यहाँ पर भाई, वो तो
से घर बना सकते हैं, ये सब बनाएंगे आपको तो इजी है सारी चीज़ें। झाड़ पेड़ झाड़ी वाड़ी छोटे छोटे पेड़ जो भी है, इसके सफल बनाने में जो भी चीज़ें आपको लगती हैं स्केच को वो आप बना सकते हैं। ठीक है, एक स्टॉल बनाना है आपको कि हैंड कार्ट पर, ये सबसे पहले हम इसका एक काम करें, हैंड कार्ट का एलिवेशन बनाएं। ये मैंने हैंड कार्ट का इसमें यहाँ चक्के लगे हुए, हैंड कार्ट मतलब हाथ ठेला है, अब वो किसी प्रकार का हो सकता है, हाथ से चलने वाला। हाथ से चलाने वाली गाड़ी, ठीक है। ठीक, और अब इसमें क्या है, हम इसको चूँकि आप पास से देख रहे थे, इसके ऊपर का सरफेस भी दिखाई देगा, ये सारी चीज़ें हम मैनेज करके, ये देखिए इस टाइप का सरफेस दिखाई देगा इसका, इसको भी हमने वो पॉइंट से मैनेज किया। ठीक है, और हाथ से चलाने वाला इसलिए हमने ये हैंडल भी बना दिया कि इसको ये, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ पर क्या है कि वो सामान अमन रखा होगा, तो यहाँ पर वो ठीक है। इसमें क्या है, एक जैसा कि स्नैक स्टॉल है, स्नैक और टी स्टॉल है, तो कुछ एक आध तो बॉक्स होगा इसके पास जिसमें कि समोसे कचौड़ी रखे हों या कुछ भी ऐसी चीज़ें। ठीक है, जैसे ही ये बन जाए उसके बाद ये अंदर का बिठा दें, जिससे कि इसके ऊपर भी आप कुछ रख सकते हैं, चॉकलेट वॉकलेट की वर्नी, एक कंटेनर है, चॉकलेट रखी होंगी या कुछ भी रखा हो। ठीक है, उसमें समोसे वमोसे रखे हों, कुछ भी रखा हो, खाने का आइटम भरा हुआ रखा। ठीक, यहाँ एक स्टोव होगा, स्टोव जैसा बनाने का प्रयास किया। ठीक है, इसके ऊपर चाय बनाने का कंटेनर रखा होगा, टी मेकर,
और यहाँ ग्लास व्लास रखे हों, कप रखे हों, ठीक। यहाँ इसके ऊपर लिखा हो चाय नाश्ता, ठीक है, कॉफ़ी, जो भी, राजू भाई, ठीक। तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं। ऑफिस के पीछे बंदा भी खड़ा कर सकते हैं आप। टाइप से चाय की दुकान वाला है। और अभी यहाँ पर आपको क्राउड बनाना है, ठीक है। क्राउड में मतलब यहाँ, अब यहाँ ह्यूमन हाइट देखिए आप, जो है यही प्रोपोर्शन ध्यान में रखना है बस। वैसे क्राउड बना सकते हैं आप। ठीक, से इस टाइप से आप क्राउड बनाएं, थोड़ा सा ऐसा लगे कि है भाई भीड़। क्राउड बनाने में ज़्यादा मेहनत तो करनी नहीं है आपको। ऐसे आप बनाते जाएं। यहाँ पर हो सकता है स्टूल भी रखा हूँ। ये सब आप बस के अंदर से देख सकते हैं, इस तरह से बेंच रखी हो। थोड़ी छोटी कर देते हैं मैच। ठीक है, इस टाइप से आप चीज़ें बना सकते हो। और आपको क्या बनाना है,
स्टॉल बना दिया आपने, बफेलो बना दी और बलक बना दिया और कार्ड भी एक अपन ने बनाने की कोशिश करी। कुछ स्पेयर पार्ट्स की बात है, हो सकता है एक कार्ड हम यहाँ भी खड़ी कर दें। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें पूरी दिखाई दें, ठीक है। जैसे मान लो ये कार्ड है, अब ये कार्ड का वो अपने अरे को नहीं दिखाई दे रहा अच्छा का, देखिए कार्ड तो है। एक बंदा है, जो कि इसको सुधारने का प्रयास कर रहा है। कहने का मतलब मेरा बस इतना है कि आप जैसे आपको जो जो एलिमेंट दिए हैं वो आप सोच सोच के बनाते जाइए और वन पॉइंट से बिल्कुल बन जाएगा आपसे ये सारी चीज़ें, वही सामने से दिखाई देगी आपको, ठीक है। तो ये आप बनाएं और बनाते जाएं, ठीक। अब यहाँ पर हो सकता है कि और भी घर हो सकते हैं, उस टाइप से आप घर बनाकर, एक गांव का है तो गांव का माहौल दिखाई दे, कुछ पेड़, ठीक है। तो यहाँ पर और क्राउड अभी हमारे को बनाना है, और लेकिन क्राउड से पहले हम एक दो, जैसे यहाँ पे हम बैल कम बकरी ज़्यादा लगने लगता है जो थोड़ा मैं बनाता हूँ, तो और भी ऐसे छोटे छोटे फिगर आप बनाने की कोशिश करें कैटल के, कि जो देखने में लगे कि कैटल है, कोई ज़रूरी नहीं कि डिटेलिंग करें आप उसकी, लेकिन कैटल दिखाई दे। इस टाइप से कुछ पेड़ बनाए हैं,
पेड़ आपके आई लेवल के ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। आप इसको क्या है, कोशिश करें ट्री बनाने की, जैसे मैं कर रहा हूँ कोशिश, इससे बेहतर करें। इससे क्या है कि एक स्केल समझ में आता है कि ठीक है भाई, चीज़ें धीरे धीरे छोटी हो रही हैं, ठीक है। और बहुत कुछ बना सकते हैं, और लोग बनाए, कई प्रकार के फिगर बना सकते हैं। एक लेडीज, कुछ लेके आ रही है, क्राउड बनाने की आपको आवश्यकता है। ये ह्यूमन फिगर ज़्यादा बनेंगे इसमें, और जितने कैटल बना पाएँ या जो भी आप सीन को क्रिएट कर पाएँ अच्छे से, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक बनाए, क्योंकि मार्केट है, ठीक है, मार्केट में लोग तो होंगे ही, जितना क्राउड दिखाएंगे उतना अच्छा लगेगा ये फिगर, ठीक है। और कुछ, और जो भी आप दिखाना चाहें, छोटे छोटे पेड़ पौधे, श्रब्स श्रब्स कुछ भी, ठीक है। मैंने उतने अच्छे से नहीं बनाया, मुझे पता है, लेकिन मेरा उद्देश्य जो है आपको समझाने का कि क्या दिखाई देगा, तो इस टाइप से आप बना सकते हैं, दिखा सकते हैं उसमें फिगर में, ठीक है। और बाकी आप और इससे बेहतर बना सकते हैं, और जो भी आपको लगता है वो सब इसमें ऐड करें। तो कुल मिला के ये है कि यदि आप कहीं से जा रहे होंगे और यदि आपने एक नज़र मारी होगी साइड में, तो आप ऐसा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो और कोशिश करें इसको अच्छे से बनाने का प्रयास करें, और देखें बनता है कि नहीं बनता। और मैंने उतने अच्छे से अभी नहीं बना पाया, मुझे पता है, फिर भी ये क्वेश्चन को इसी टाइप से सॉल्व कर पाएंगे हम। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।